संदीप में, और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और उसमें सारे ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए गए थे, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको आपको माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें अगर दिया हुआ है सम एंड जीरोस, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जीरोस निकाले थे अल्फा एंड बीटा, बट यहां पर हमें दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने रिलेशन बनाना सीखा था अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो आज हम इसी से पॉलीनोमियल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लास्ट टाइम हमें पॉलीनोमियल दिया हुआ था, हमें जीरोस निकालने थे, बट अब हमें जीरोस दिए हुए हैं, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। जैसे सपोज ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन का, तो 1 अपॉन में 4 है एंड माइनस 1 है। तो जो पहला वाला नंबर है ये वाला, इस वाले को हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। याद रखिएगा ये अलग अलग जीरो नहीं है, अल्फा और बीटा नहीं है। कई बार बच्चे गलतियां यही करते हैं कि अल्फा हम ले लेते हैं 1/4, बट ये अल्फा नहीं है, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों जीरोस का सम करने पर ये आता है। ओके, और सम ऑफ जीरोस क्या था, हमने लास्ट टाइम बताया था माइनस बी अपॉन में ए, और माइनस बी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन में ए। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको कर लिया यहां पर, लेट द पॉलीनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो जनरल फॉर्म होती है ये आपको मैंने उस दिन भी बताई थी, तो यहां पर लिखा था आपको। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है, इस फॉर्म में हमें लाना होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को। ओके, तो क्वाड्रेटिक के लिए पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। ओके, तो एंड इट्स जीरोस आर, जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होता है, जीरोस, हमने फाइंड आउट करना सीखा था। ओके, तो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में 4। ओके, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जीरोस का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। ओके, और अल्फा इंटू बीटा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ओके, अगर बीच में साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। तो अल्फा बीटा क्या है, माइनस वन, जो दूसरा वाला है वो माइनस वन जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यानी सी अपॉन में ए। ओके, यहां तक होने के बाद अब क्या है, हमारा जो फॉर्मूला बनता है, जो फॉर्मूले पे हमें पुट करना होता है, अब ये पुट करेंगे हम फॉर्मूले में और आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट में डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे, 1 अपॉन में 4। तो सम ऑफ जीरोस हम लिख देंगे यहां पर 1 अपॉन 4। ओके, और ये क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहां पर क्या आ गया, माइनस 1। ओके, जब इसका एलसीएम लेंगे हम, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x स्क्वायर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 4 है, 1 के टेबल में जाएगा, तो 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो यहां पर क्या होगा, माइनस एक्स, क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो हमारा माइनस एक्स ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी माइनस 4। तो ये क्या मिला आपको, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सिमिलरली हम इन सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से कर सकते हैं। तो आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका जरा। ओके, यहां पर ये सेकंड पार्ट है, रूट टू। आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, अभी ये क्या कर दिया हमने, ये सेम सिमिलर आप इसी तरह से करेंगे, लिखेंगे आप लेट द पॉलीनोमियल, लेट द पॉलीनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
ठीक है, एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली सेम ऐसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपका यहां 1/4 था बट यहां पर क्या है रूट 2, ओके। फिर इसके बाद क्या है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि दूसरा जीरो क्या है आपका यहां पर दिया 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। यहां तक समझ में आया, ये जब कर लेंगे आप यहां तक हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि ये माइनस सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हो आप ऐसे, सम ऑफ जीरोस यानी कि इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ओके ठीक है। और फिर इसके बाद इसके बाहर क्या रहेगा एक्स, क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म है आपकी इसके साथ क्या है एक्स, तो ये वाला जो बी है वो किससे आता है सम ऑफ जीरोस से, ओके। और फिर इसका क्या प्लस, यहां देखेंगे प्लस प्लस, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके अल्फा इनटू बीटा, ओके। यहां तक करने के बाद ये जब हो जाएगा आपका ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना हमारा रूट टू, यहां लिख लेंगे रूट टू, ये हो गया एक्स, ओके। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस करके अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 1/3, ये हो गया 1/3, ओके। तो अब यहां पर 3 है डिनोमिनेटर में तो इसके नीचे 1 है ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 क्योंकि इसके नीचे 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के टेबल में देखेंगे 3 3 टाइम्स में आता है, 3 को इससे करेंगे 3√2 और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा प्लस 1, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दिस, यहां लिख सकते हो आप, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, ये दोनों सिमिलर ही हैं, सेम ही हैं ठीक है ऑलमोस्ट, बस डिजिट आप उसमें उसी तरह से पुट करेंगे जो आपके क्वेश्चन में, और आपको आंसर मिलते चले जाएंगे ठीक है। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, चलिए थर्ड पार्ट में बता देता हूं आपको, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं, ओके। तो यहां थर्ड में बता देता हूं आपको ठीक है, तो थर्ड में भी सेम ऐसे ही करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया 0 एंड अंडर रूट 5, ओके। तो यहां लिखेंगे लेट द पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर ओके प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस b अल्फा एंड बीटा, ओके। अब यहां पर हमें सेम वैसे ही करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसमें क्या है 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, ओके। एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट 5 इज इक्वल टू सी अपॉन a, यहां तक समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, सेम ही चल रहा है सारा स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हैं सारे सेम चल रहे हैं, सिर्फ डिजिट को आपको वहां पर बदल बदल के लिखनी है, ओके। और ये स्टेप्स को भी याद रखना है कि हर एक स्टेप्स में क्या क्या आ रहा है,
क्योंकि ये जब प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी रहेगी तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। ओके, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया आपका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। मैं इसमें ना लिख के ये डायरेक्ट लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ओके, और यहाँ हो गया अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहां तक करने के बाद यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा आपका जीरो हो गया, और ये एक्स तो रहेगा साथ में आपका अल्फा बीटा हो गया रूट फाइव। ओके, यहाँ तक हो गया। आप इसको करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में रूट फाइव, ये जो आपके ये जो आपका आया है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इन्होंने जो बोला था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड आउट हो चुका है। तो देयरफॉर लिखोगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं सेकंड में डाल देता हूं, आपने लिख भी लिया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, वन मार्क टू मार्क के लिए। अब इस दिन क्या आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, सेम ऐसी फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका वन वन। ओके, तो इसमें भी सेम ऐसी कर लेंगे, लेट द पॉलिनोमियल वी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ओके, फिर यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, वन इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, and alpha into beta is equals to 1 again this is c upon a। okay, यहां तक होने के बाद फिर आएगा आपका फॉर्मूला x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। ये फॉर्मूला को करते ही आपको easily आप कर पाएंगे minus 1 x प्लस में वन। ओके, फिर यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसके बाद तो आप लिखेंगे सिंपल है, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, दिस इज तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं एंड देन सिक्स्थ पार्ट। ओके, चलिए थर्ड में मिटा देता हूं आपके लिए, फिफ्थ पार्ट में भी आपका ऐसे ही है माइनस वन अपॉन में फोर वन अपॉन में फोर। ठीक है, लेट द पॉलिनोमियल लेट द पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ओके, यहां तक आने के बाद फिर आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फोर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एट। इसके बाद आते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर
सी अपॉन ए। ओके, यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ पर आएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, इसमें पुट कर लेंगे हम वैल्यू को, माइनस वन अपॉन में फोर एक्स प्लस में वन अपॉन फोर। ओके, फिर इसके बाद होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन में फोर एक्स वन अपॉन में फोर एक्स। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर आ गया आपका, इसको इससे यानी इसका एलसीएम आएगा 4, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1x या 1x को हम लिख सकते हैं x प्लस 1। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल is 4x plus x plus 1। तो सिमिलरली वी कैन डू सिक्स पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट भी आपका इसी तरह से हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.3, और इस वाली वीडियो में 2.2 पूरी हो चुकी है, तो इसके बाद हम 2.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर प्लीज़ समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। थैंक यू वेरी मच।